हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी ज्योति। सो आज मैंने ये फिफ्थ लुक लेके आई हूँ दुर्गा पूजा स्पेशल के लिए, और ये मैंने एक्चुअली दशहरा लुक क्रिएट किया है। कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो। मैंने फुल बंगाली ट्रेडिशनल लुक किया है और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, सो प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। सबसे जो पहला स्टेप है, मैंने टोनर यूज़ किया है एंड ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर फेस टोनर मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। और बिफ़ोर मेकअप ये स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं ड्यूई लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग बेस। ये एक्चुअली सन्स प्रोटेक्शन है, लेकिन ये आपको इल्यूमिनेटिंग भी क्रिएट करता है। तो अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगा रहे हो तो बेस में आप ये लगा सकते हो, तो ये सन्स प्रोटेक्शन का भी काम करेगा और साथ ही साथ आपको इल्यूमिनेटिंग बेस भी क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ड्यूई लुक देता है, आप ऐसे ही लगा के भी छोड़ सकते हो। और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद है, अगर आप लोग को ड्यूई लुक पसंद है तो इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर शुगर का ही प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर लगाने के बाद अच्छे से हम मसाज कर लेंगे, देन थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आज थोड़ी सी कलर करेक्ट कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर क्विंच का प्रोडक्ट यूज़ किया है। ये एक्चुअली कलर करेक्शन के लिए है, और ये मेरे स्किन टोन में कैमरा पे थोड़ी सी नॉर्मल टोन पे लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्क है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कलर करेक्ट किया है स्किन को। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन, और इसमें मेरा जो शेड है वो 220 है। थोड़ी सी अप्लाई करके मैंने अच्छे से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया, और ये वाला जो कवरेज है ना वो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, तो आप लोग भी इसमें जा सकते हो। और ये पूजा या शादी में जा रहे हो तो आप लोग को लॉन्ग लास्टिंग चाहिए या फ्लॉलेस बेस चाहिए, तो ये वाला फाउंडेशन बहुत ही बेस्ट रहता है। तो इस तरफ मैंने थोड़ा सा मैंने अप्लाई कर लिया, क्योंकि मैं साथ ही साथ रील के लिए भी मैं बना रही थी, तो इसलिए मैंने वो अप्लाई कर लिया। तो इस तरफ मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ। पहले तो मैंने कंसीलर मेबलिन फिट मी का यूज़ किया है, इसमें मेरा शेड 25 मीडियम है। देन मैंने यहाँ पर कंटोरिंग के लिए अप्लाई किया है, जो कि अगेन शुगर का ही है। और मैंने अप्लाई करने के बाद फिर से मैंने रील के लिए ट्राई किया, मैंने इसमें रील भी बनाई है, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोग चाहो तो ज़रूर चेकआउट करना। तो सबसे पहले तो मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया, देन मैंने कंटोरिंग जो अप्लाई किया था उसको ब्लेंड किया। एक्चुअली रील बनाते बनाते थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो इसलिए मुझे ब्लेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी बेस बहुत ही अच्छा बना था। और उसके बाद मैंने सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही दूसरी तरफ से मैंने जो कंसीलर कंटोरिंग है उसको मैंने ब्लेंड किया। सेम जो कंसीलर है उसको मैंने फुल आईलिड्स पे अप्लाई किया है, देन सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, और ये मैंने एज अ आई बेस मैंने अप्लाई किया है, ताकि जो भी मैं आई मेकअप करूँ वो अच्छे से पॉपिंग दिखे, और अगर आपका डार्क सर्कल है वो भी कैंसल आउट हो जाएगा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आई मेकअप। यहाँ पे मैंने पाउडर से सेट किया है फुल बेस को, और आज मैं कोई भी ब्रॉन्जर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं डायरेक्टली ब्लश लगा रही हूँ, और ये NYBA का ब्लश है जो कि मेरा न्यू बाइंग है। और पता नहीं ये वाला क्या कलर है, लेकिन बहुत ही अलग टाइप का कलर है, और थोड़ा सा ये डार्क टोन पे है, तो मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला जो ब्लश है वो। एंड देन यहाँ पे मैंने फेस को सेटिंग किया है, जो कि NYBA का ड्यूई सेटिंग स्प्रे है, और ये भी मेरा न्यू परचेस है, और मैंने यहाँ पर ड्यूई सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आई मेकअप के लिए आज यूज़ कर रही हूँ द मोर्फी जैकहिल पैलेट, इसमें से मैंने ब्लैक एंड ब्राउन शेड को मिक्स करके सबसे पहले तो आईब्रो को फिलअप करेंगे। एंड गाइस, आप देख सकते हो मेरा बेस काफ़ी अच्छा टोन्ड आउट हुआ है, और अच्छा लग रहा था बेस, काफ़ी क्लियर एंड फ्लॉलेस लग रहा था नेचुरली भी। एंड मैंने यहाँ पर आईब्रो को फिलअप किया, थोड़ा सा ज़्यादा कम लग रहा था तो इस पुली से मैंने सेट किया। सबसे पहले आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन कलर का आई शेडो, जो कि क्रीज पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से। दूसरी तरफ भी सेम टेक्निक से मैं करते जाऊँगी। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक
मेटालिक शेड है कॉपर में, तो वो मैंने आई लीड्स पे अप्लाई किया है हाफ आई लीड्स तक। और यहाँ पे जितना हैवी दिख रहा है मेरा आई मेकअप, बहुत ही ज़्यादा मैंने इजीली क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ पोमोग्रेनेट भी खा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने नाइट में शूट किया और मुझे बहुत ही भूख भी लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड कलर का आई शेडो लिया था, बस आउटर कॉर्नर एंड थोड़ी थोड़ी करके मैंने क्रीज पे भी ब्लेंड किया, ताकि वो ब्लेंडेबल दिखे, कोई क्रीज वगैरह ना दिखे। साथ ही साथ मैंने लोअर लैश लाइन को भी सेम रेड शेड ही अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो काजल का रोल है, तो मैंने यहाँ पर रीकोट का काजल यूज़ किया था। और ये वाला जो काजल है ना, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, स्मर्ज प्रूफ, वाटर प्रूफ है, लेकिन ये अप्लाई करने के बाद जल्दी जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है, नहीं तो वो वहीं पर ही सूख जाता है। तो वही मैं कर रही थी, पहले तो मैंने काजल की तरीके से अप्लाई किया, देन मैंने ब्लेंड किया, उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो को भी ब्लेंड करते गया, ताकि वो स्मोकी सा एक लुक दिखे। साथ ही साथ मैंने रेड कलर का भी वो आई शेडो भी अप्लाई किया, तो इनहेंस दिखेगा, ज़्यादा ब्लैक नहीं, ब्लैक एंड उसके बाद थोड़ा रेड टोन पे स्मोकी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉल्स लैसेस अप्लाई किया, जो कि बड़ी बड़ी फॉल्स लैसेस। मैंने आईलाइनर को यहाँ पर स्किप किया, क्योंकि कभी भी एक ही लुक आईलाइनर मैं बोर्ड हो गई थी, तो इसलिए मैंने बड़ी सी काजल लगाई एंड आईलाइनर को मैंने छोड़ दिया। एंड थोड़ा सा मैं टाइट लाइन भी कर रही हूँ, ताकि जो भी गैपिंग है आई लैसेस में वो ना दिखे। इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है। अब आते हैं फेस का हाईलाइटर, जो कि है इनसाइन कॉस्मेटिक का ये वाला हाईलाइटर, एंड मैंने अप्लाई किया एंड दूसरी तरफ अप्लाई किया तो बहुत ही ज़्यादा लग गया, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से डैप किया, जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। अगर आप लोग से भी ऐसा भूल हो जाता है तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए, वो अच्छे से इनहेंस हो जाएगा। मैंने पूरी हायर पॉइंट्स पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन लास्टली लिपस्टिक आता है, जो कि मैंने मेरी जोक का लिप लाइनर यूज़ किया है, ब्राउन कलर का। आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरा फोकस था रेड कलर का लिपस्टिक, लेकिन मैंने ये जो लिपस्टिक लिया है सुगर का 03 स्मर्ज मी नॉट लिपस्टिक है, ये थोड़ा सा मुझे एक्चुअली रेड कलर का लिपस्टिक है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा पिंक टोन लग रहा था, तो इसीलिए मैंने लिप लाइनर से और थोड़ा सेट किया, ताकि वो थोड़ा सा ब्राउन कलर टाइप में दिखे। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक पूरा कंप्लीट, और मैंने कुछ इस तरीके से ज्वेलरी, साड़ी एंड गजरे को वेयर किया है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, अपनी दोस्तों को शेयर करना। प्रोडक्ट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। बाय गाइज़।